बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 kg दूध लेकर रखा हुआ है। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसको अच्छे से पका रहे हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए। दूध में थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चला के चले जाना है, वरना ये नीचे से लग सकता है और इसकी साइडों पर जो मलाई जम जाती है इसको हटाते रहें। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको चमचा चलाते रहें। दूध के लिए हमेशा भारी पैने वाला बर्तन लें, वरना यह है कि दूध लग जाता है। दूध में हम बिल्कुल थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे, ताकि इसका कलर जो है वो अच्छे से आ जाए। मिक्स करेंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त सा येलो कलर आ गया है इसमें। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए। अब यहाँ पे हमने 2 से 3 इलायची लेके उनके अंदर से दाने निकाल के उनको पीस लिया, वो ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमने चीनी लिए, 3 से 4 टेबलस्पून हम यहाँ पे चीनी यूज़ कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा वाटर ऐड करेंगे और इसे पकने देंगे। दूध हमने साइड में कर दिया है, वो अभी पक रहा है। अब यहाँ पे हमने एक अलग से बर्तन लिया है और इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। इसको गर्म करेंगे। पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें 1 कप के करीब चीनी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। ये देखिए, दूध अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से हाफ रह गया है। अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये हमारे पास है 1 कप के करीब। या दूध पे से उतरी हुई जो बलाई होती है आप वो इसमें ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। बस अब इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हमने 5 से 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और उनके किनारों को जो है हटा दिया यहाँ से, और इनको बीच में से कट करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमने ऑयल लिया है, ये गर्म हो गया है। अब हमने जो ब्रेड के स्लाइस कट करके रखे थे इसमें डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। अच्छा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। साइड चेंज करेंगे। बस दूसरे साइड से भी इनका कलर चेंज हो जाए तो हम इनको निकालेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी जो स्लाइस हैं उनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें, ब्रेड के सब स्लाइस फ्राई होकर रेडी हो गए यहाँ पर रखे हुए। यहाँ ये शुगर सिरप है, ये हमने ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें 1-1 करके ये जो हमने स्लाइस रखे हुए इनको 10 से 11 सेकेंड के लिए डिप करेंगे। और इनको निकालते जाएंगे, सर्विंग डिश में सेट करते जाएंगे इनको। इसी तरह हम दूसरा लेंगे। बस 1-1 करके हम सब सिरप में डिप करेंगे और सर्विंग डिश में सेट कर देंगे। ये देखें, ये सब हमने सर्विंग डिश में रेडी कर लिए हैं। अब जो दूध हमने पका कर रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। ये सेट हो गए। अब हम इसे बादाम और पिस्ता से इसकी गार्निशिंग करेंगे। और पिस्ता का खोपरा ऐड कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, हमारे ज़बरदस्त किस्म के शाही टुकड़े तैयार हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।